देखें, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो बी इज सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय बी सबसेट ए। ये सी नहीं है, ये सबसेट का साइन है, बी सबसेट ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। जैसे अपन देखें एक ए सेट है ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक अल्फ़ाबेट्स, और बी एक सेट है ऑल वॉवल्स का ए ई आई ओ यू। तो देखिए बी के सारे एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक मेलाइज करेंगे, बिल्कुल आएंगे। देखो ए यहाँ आएगा, ई भी आएगा, आई भी आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B lies in element of set A, so B is subset of A. Okay? Subset का साइन नहीं है, इसको C ना समझें, subset. If B is not a subset of A, then it is denoted written as B is not a subset of A. इसको हम इसे क्रॉस कर देंगे। जैसे आपने belongs to और not belongs to समझा, वैसे subset और not a subset समझा। इसके दो बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला, each set is a subset of itself. मतलब जो भी सेट होगा, जैसे ये ए सेट है ये अपना ही सबसेट होगा, ये बी सेट है ये अपना ही सबसेट होगा, ओके। एंड सेकंड वन इज एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ अ एवरी सेट। जो भी सेट होंगे एम्प्टी सेट उसका क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको अपन देखते हैं कैसे। एक्सरसाइज 1D, इसके अंदर देखें राइट द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। कैसे, एक हमको सेट दिया ए बी सी, इसके सबसेट लिखने हम, तो सबसेट कैसे लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे ये ए बी सी, फिर इनके दो दो एलिमेंट ए बी बी सी सी ए, फिर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ए बी सी इज ऑल्सो सबसेट, मतलब अ सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो ए बी सी का सबसेट होगा, और एक क्या आएगा साथ में, फाइव। इसको ब्रैकेट में मत लिखिएगा, फाइव सबसेट में सिर्फ इस तरह से ही लिखा जाता है अकेला। एक और देखते हैं अपन क्वेश्चन, 1, 2 एक सेट है, उसका सबसेट क्या होगा, 1, 2 सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये रहा 1, 2 और 5। ये हमने क्या सीखा कि एक सेट से हम सबसेट कैसे लिखते हैं। अब हमको पूछा गया है कि एक सबसेट दे रखा है, राइट अ सेट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स, ये सबसेट दे रखे और इनका हमको क्या लिखना है, सेट। तो इसमें जो सबसे बड़ा सेट हो वही हमारा सबसेट हो जाएगा। सबसे बड़ा सेट कौन सा है इसमें, 1-1, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो कितना बनेगा, 1-1। एक और देखिए, मैंने आपके लिए सिर्फ 0 और 5 लिया, तो हमारा सेट कितना बनेगा, सिर्फ 5, सिर्फ 0 सॉरी 5 नहीं, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये यही एलिमेंट आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो उसका सबसेट 5 होगा ही होगा, ओके। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स, बताइए ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट बिलोंग्स टू, इट इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ए बी इज सबसेट ऑफ ए ए बी बी ए, यस सबसेट है, देखो दोनों एलिमेंट यहाँ लाइज कर रहे हैं, तो इट इज ट्रू। 5 बिलोंग्स टू ए बी सी, बिलोंग कर रहा है क्या, ये एलिमेंट है क्या 5 का, नहीं है, ये सबसेट हो सकता है पर ये एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है गिवन, 5A13, B159, C13579 आर सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द फॉलोइंग। इसके अंदर हमको बताना है कि सबसेट है या नहीं है और उसका साइन बताना है। 5 क्या B का सबसेट है, बताइए 5 B का सबसेट है, बिल्कुल है, तो यहाँ क्या आएगा, सबसेट का साइन आएगा। 5 तो किसी का भी सबसेट हो सकता है।
ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट कितने हैं 1 3, बी में एलिमेंट कितने हैं 1 5 9, 3 यहाँ लाइज कर रहा है क्या? लाइज नहीं कर रहा, तो ये सबसेट नहीं है, इज नॉट अ सबसेट। ओके, ए इज सबसेट ए सी, ए के एलिमेंट कितने 1 3, सी के एलिमेंट 1 3 5 7 9, हाँ 1 3 है यहाँ पर, तो ये सबसेट होगा, ए इज सबसेट ऑफ सी। फिर बी इज सबसेट ऑफ सी, बी में एलिमेंट कितने हैं 1 5 9, सी के एलिमेंट 1 3 5 7 9, यस 1 5 9 बी में भी है, 1 5 9 सी में भी है, ये सबसेट होगा। ओके, वन इज सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल वन एक एलिमेंट है सी का, देखो जरा वन एक एलिमेंट है सी का, तो हम क्या कहेंगे, वन इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर? तो ये अभी अपन ने पढ़ा सेट और सबसेट।